हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हो आप सर। तो काफ़ी लोग कमेंट आ रहे थे कि उनका रेडमी नोट 9 प्रो में पबजी बहुत लैग कर रहा है, तो मैं आ गया हूँ वीडियो लेके। तो इस वीडियो में चलते हैं, बताते हैं आपको कैसे आप पबजी लैग फिक्स कर सकते हैं। तो आपको एक काम करना है, आपको पबजी में जाना है, ऐप इन्फो में जाना है, आपको क्लियर डाटा में जाना है और क्लियर कैशे कर देना है। आप कैशे क्लियर हो जाएगा तो आपका पबजी एकदम स्मूथ रन करेगा इससे। और आपको यहाँ कोई सेटिंग नहीं करनी, ऐसे मेरे काफ़ी कमेंट आया कि लोग बैटरी सेवर में पूछ रहे थे कौन सा चाहिए, तो आप रिकमेंडेड ही रखना है। अगर आप नो रजिस्ट्रेशन करेंगे इसमें तो आपका काफ़ी लैग नहीं होगा, काफ़ी हीट होगा और काफ़ी बैटरी जल्दी जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है और आपको चलते हैं उसमें डेवलपर ऑप्शन में। तो आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है, इनेबल कर लेना है। इनेबल करवाते इनेबल को आप लोगों का होगा ही नहीं होगा तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें इनेबल करना दिखाया मैंने आपको। तो आपको गेम टर्बो में जाना है, पहले आपको यहाँ एक सेटिंग करनी नहीं, आपको इसे बंद कर देना है। मैं भी इसे बंद करता हूँ, आप इसे बंद कर दीजिए। और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं एडिशनल सेटिंग में क्या करना है उन लोगों को, तो आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है और आपको ये दोनों मीडियम रखने हैं, लो मीडियम हाई तीन ऑप्शन होते हैं, इसे आपको मीडियम रखने हैं दोनों में, ओके। तो आपको इसे मीडियम रख देना है और आप चलते हैं डेवलपर ऑप्शन की तरफ। तो डेवलपर ऑप्शन अपने एडिशनल सेटिंग्स, आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है, आपको इसमें सेटिंग मिलेगी गेम ड्राइवर प्रेफरेंसेस, ये रहा, आपको इसमें जाना है। फिर आपको पबजी ढूंढ लेना अपना, मेरे में दो पबजी है, नीचे केआर वाला है, ऊपर पबजी मोबाइल ग्लोबल वाला है। तो ग्लोबल वाले आपको जाना है, गेम ड्राइवर कर देना है। और आप GFS यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको GFS सेटिंग ला देता हूँ, आप कब भी लैग करता है तो आपको GFS खोलना है, अपना 0.17x वर्जन ला देना है, डिफ़ॉल्ट रखना है, रिजोल्यूशन में डिफ़ॉल्ट ही रखना है। और स्लो स्मूथ कर दीजिए इसे, और यहाँ 60 FPS कर दीजिए, और यहाँ डिसेबल रखिए, एंटी एलाइजिंग डिसेबल रहेगा। इसे आप कलरफुल तरह से कुछ भी रख सकते हैं, और रेंडरिंग क्वालिटी लो रहेगी, और ये सब तो बंद रहेगा। फिर ये सब आप लो कर दीजिए, इफेक्ट्स क्वालिटी लो, इम्प्रूवमेंट फॉर इफेक्ट्स लो, ऑब्जेक्ट लोड डिस्टेंस डिफॉल्ट सॉरी लो एंड फोटोज लोड डिस्टेंस लो, कलर फॉर्मेट आप डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, और लाइट इफेक्ट डिसेबल रहेंगे, और ग्राफिक्स API OpenGL रहेगा, और GPU ऑप्टिमाइजेशन आपका इनेबल रहेगा। और आप हाँ, ग्राफिक्स API आपको वल्कन नहीं करना है, आपको OpenGL रखना है, क्योंकि वल्कन मैंने यूज़ करा था, उसमें काफ़ी लैग कर रहा था और हीट भी कर रहा था, तो आपको सेफ वनटो इनेबल रखना है। साउंड क्वालिटी आपको लो ही रखनी है, आप हाई भी कर सकते हैं, आपको लो ही रखनी है। तो आप इसे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, मैं तो अप्लाई नहीं करूँगा, मैंने तो अभी वीडियो बनाने के लिए डाला था बस। तो आप कब भी कोई इशू आता है तो आप मुझे इंस्टा पे या डिस्कॉर्ड पे DM कर सकते हैं। सो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपको अगली।